दोस्तों पेट गुरु में आज आपको हम ग्रूमिंग के बारे में बताएंगे, कैसे आप ग्रूमिंग कर सकते हैं और ग्रूमिंग के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड आपको है। ठीक है, तो ये देखिए, ये अभी जो है ग्रूम करने वाले सर, कस्टमर की मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है कि मैम आपने आपके डॉग के हेयर इतने छोटे हैं, कम है, तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे डॉग के हेयर छोटे रहते नहीं है, मैं हर बार छोटे कर देती हूँ। अब ये जो हमने ब्राउन एंड व्हाइट जोया कही थी, ये हमारी वो जोया है। अब देखिए सर, मैं क्यों जीरो कट करती हूँ, मैं हमेशा सभी डॉग के जीरो करती हूँ, बिकॉज मैं सभी को ओपन रखती हूँ। इतने सारे डॉग हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, भीगते हैं, एक दूसरे के हेयर पकड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बाल गीले होते हैं, उसके वजह से इस तरह के नोट्स हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। यस, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 20-22 डॉग का पर डे उनको बात करूं, उनको प्रॉपर कंघी करूं, इतना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि इतने डॉग है। अगर मैं पर डे 5 डॉग का भी प्रॉपर नहला के ग्रूमिंग करूं तो मेरे पास भी खाने के टाइम नहीं होगा, सुबह से लार पूरा निकल जाएगा। एंड अगर मैं इनके बड़े हेयर रखूं तो मुझे सबको सेपरेटली केज में बंद रखना होगा, फिर इनको मैं खेलने नहीं दे सकती, इनको मैं प्रॉपर कहीं पे घुमाने नहीं लेके जा सकती, मैं उनको बंद ही बंद रखूंगी, और वो मेरे लिए क्या कहूँ, बिल्कुल भी मुझे ये नहीं है। मैं इसकी वजह से इनके हेयर कट करूंगी, पूरे जीरो कट करूंगी पर डे, तब ये गंदे कम होंगे और फ्री घूमेंगे। मैं कहती हूँ कि मेरे डॉग का नेचर ऐसा है, एटमोस्फेयर एकदम फ्री एटमोस्फेयर, फ्रेंडली एटमोस्फेयर, एंड उनका नेचर एकदम फ्रेंडली रहता है। वो रीजन ये कि मैं इनको बांध के नहीं रखती, एकदम फ्री रखती हूँ, सबके साथ खेलते हैं, सोशलाइज होते हैं, और यही रीजन है कि इतना इनका नेचर और इनके बच्चों का नेचर भी इतना फ्रेंडली होता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। और दोस्तों ज्यादातर ब्रीडर जो है वो बाल आपको बड़े नहीं दिखेंगे, बाल कब बड़े होते हैं जो पर्सनल सिंगल पपी या दो पपी मैक्सिमम पालते हैं। सिंगल पपी है, अब उनका काम ही है कि वो खेलेंगे, उसके उनकी पोनी बनाएंगे, बाल बड़े करेंगे। तो मैंने कभी भी कहीं ब्रीडर को नहीं देखा कि इतने सारे 20-20-40 पपीज हों तो उनको आप बड़े बाल करके आपके लिए वो बिल्कुल तैयार करें। और वैसे भी ये आपको तो देने वाले नहीं है, आपको छोटे पपीज मिलेंगे, फिर आप उसको ले जाइए, उसके बाल बड़े करिए, आप जैसे करना चाहते हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी सर मैं इनका पूरा जीरो कट करूंगी, इसके लिए हमने जो जीरो कट से पहले मैम थोड़ा सा बता देंगे कि कैसे हल्का फुल्का अगर कट करना है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या पहले तो यूज करना है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए? पर इनकी अच्छे से आप कंघी कीजिए, कंडीशनर कीजिए, जितने नोट्स है वो नोट्स निकालिए। ठीक है, Amazon से इस तरह की ग्रूमिंग किट मिलती है आपको, अगर आप एक ग्रूमर के पास जाते हो, पेट शॉप में जाते हो, मिनिमम 1000 रुपीस लेते हैं ग्रूमिंग करने का। ये किट आपको 1200 से 1500 के अंदर आती है। ठीक है, आप चाहे 10 बार भी कटिंग करो ना सर, आपके पैसे वसूल है। सही बात है। तो इसमें इस तरह के सारे सामान आ जाते हैं। ठीक है, ये कोम आएगी, कोम ये मतलब स्टील की है, स्टील की कोम, एसएस स्टील कोम आएगी, कैंची आएगी, नेल शेप करने के लिए आपकी ये आएगी, ये नेल कटिंग के लिए आएगी, एंड ऑब्वियसली ये आपके मशीन आएगी। यस, ये 1200-1500, ये आपके 1200 से 1500, मैं इसका लिंक आपको दूंगी, आप आपके ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसकी बाइंग लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। या बहुत ही अच्छी किट है, आई थिंक सो ये आपकी आई है इतने, मुझे तो 1200 या 1300 रुपए की, कुछ इतने छोटे में मुझे दिख रहा है। दोस्तों ये कुछ है 1800 रुपए लिखा हुआ है, 1800 रुपए की है दोस्तों। ठीक है, और क्या चाहिए? बस ये चाहिए, उसके बाद एक अलग से कोम चाहिए होगी हमें, जो कोम का है पूरा। और दोस्तों ये एक ब्रश लगेगी मैम, ब्रश जरा दिखा दीजिए अगर बाल फंसते हैं तो। अगर जस्ट एक सेकंड सर, मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, इसके कम नहीं होंगे क्योंकि इसके नोट्स हो गए हैं, मैं पूरा जीरो कट करने वाली हूँ। बट अगर थोड़े बहुत नोट्स हैं तो आपके इस तरह से आप करोगे कोम तो क्लीन हो जाएंगे। अब देखिए सर, इस तरह के बाल फंसे हैं, अभी सिंपल वे आप ऐसे कीजिए, आपकी कोम पूरी क्लीन होगी। ये मैम कितने का है? ये आपको Amazon ऐसे तो मार्केट में आप शॉप से लेने जाओगे 400-500 का आएगा, आप Amazon से इसे परचेज कर सकते हो 214 रुपीस। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, सिर्फ सिंपल वाला लेने से अच्छा है क्योंकि बाल आसानी से निकल जाएंगे। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करेंगे।
अब चलिए दोस्तों, ग्रूमिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैं पूरा जीरो कट करने वाली हूँ। जीरो कट करेंगे या, मैं आपकी वीडियो की भी वेट कर रही थी, नहीं तो मैं मैक्सिमम डॉग के जीरो कट कर ही देती हूँ। कर ही देते हैं। ओके मैम, इसमें कौन कर सकता है? आपने मुझे एक सवाल किया था बीच में कि हमें अगर जीरो कट, देखे ये हो गए जीरो कट, ठीक है, अगर हमें जीरो कट नहीं करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी हमारे पास है, ये ग्रूमिंग किट के साथ अटैचमेंट आती है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। अटैचमेंट रहेगी, तीन से चार अटैचमेंट उसमें रहती है, मतलब छोटे बाल हो जाएंगे जैसे हम लोग शेविंग करने या बाल बनाने के लिए। ओके, यस यस, सेम प्रोसेस है, चूंकि मुझे अटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं अपने सभी डॉग का जीरो कट करती हूँ। ठीक, तो मैं अटैचमेंट आपके जो अगर पेट है घर पे, आप प्रॉपर ग्रूमिंग करते हो घर पे, आप ग्रूमिंग कीजिए, कॉम्ब कीजिए, तो इतने नोट्स नहीं होंगे, तो वो क्या है, उनको जीरो कट करने की जरूरत नहीं है, वो अटैचमेंट अटैच करे, इस तरह से अटैचमेंट को अटैच करेंगे। एंड ये अटैचमेंट अटैच हो गई, एंड आप जीरो कट नहीं करके एक नंबर, दो नंबर तीन नंबर के कटिंग जितने आपको लॉन्ग हेयर रखने उतने रख सकते हैं। दोस्तों कल ही मैंने दाढ़ी बनवाई है, एक नंबर से बनवाई है सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिए जीरो कट कर सकते हैं, और घर पे भी ग्रूमिंग करना हो तो और कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे नाई बाल काटता है वैसे ही आपको सिर्फ इस कंघी का इस्तेमाल करना है, और कैंची से उनको सॉफ्टली धीरे धीरे उनके नुकीले पार्ट काट के राउंड शेप में कर देना है, तो आप घर पे उनका ग्रूमिंग हो जाएगा। और गर्मियों में आप इनको ऐसे जीरो कट भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैं मैक्सिमम टाइम रखती हूँ सर, सिर्फ सर्दियों में ही बड़े रखते होंगे। सर्दियों में बहुत कम, मैंने सिर्फ चार्मी के हेयर बड़े रखे थे, एंड अब मैंने उसके हेयर भी कट कर दिए हैं, एंड आपके वीडियो में और मुझे भाई की वीडियो में चार्मी की फुल ग्रूमिंग की वीडियो भी है जिसमें चार्मी के मैंने बहुत लॉन्ग हेयर रखे थे, एंड यकीन मानिए मैंने इतना फेस किया था, मुझे चार्मी को हमेशा अकेले रखना पड़ता था, एंड उसे वो अच्छा नहीं लगता था। लास्ट में फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, लॉन्ग हेयर नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए मेरे बच्चों। सही बात है, सही बात। एंड मैंने उसे जीरो कट किया एंड उसे फ्री छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत मस्ती करता है। दोस्तों एक दूसरे से पपीज जब मिलते हैं, इंसानों से मिलते हैं, तो वो सोशियलाइज होते हैं, हम कई बार ये वीडियो में बता चुके, और सोशियलाइज पपीज आप ले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगी ट्रेनिंग करने में, ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग देने में आप लोगों को कम मेहनत होगी। मेरे घर के कोई भी पपी, मैं गारंटी लेती हूँ, मेरे घर के कोई भी पपी कभी भी एग्रेसिव नहीं होंगे क्योंकि उनके, उनको मेरे घर पे माहौल ही ऐसा मिला है, उनकी मॉम, उनके डैड, सबको माहौल पूरा फ्रेंडली मिला है, इसलिए बच्चे भी फ्रेंडली माहौल में होते हैं, एंड बहुत बचपन से ही उन्होंने वैसा माहौल देखा है, तो एग्रेशन होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड हम इसको पूरा ग्रूमिंग करके आप लोगों को बता देंगे, तो चलते चलते सपना मैम से नंबर ले लेते हैं। मैम नंबर दे दीजिए, 7777-93-1113। एंड फिर से कहूंगी कि अगर मेरा फोन न मिले प्लीज मुझे व्हाट्सअप कॉल कीजिए, बिकॉज नेटवर्क की बहुत इश्यू होती है यहाँ पर दोस्तों, टोटली वाईफाई लगा हुआ है तो कोई नेटवर्क की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं रहती, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, टोटल वाईफाई लगा है या पूरे घर में कैमरे लगे हैं, वाईफाई लगा है, तो आप जब भी मुझे व्हाट्सअप कॉल करेंगे तो आपकी हमारे से बात हो जाएगी। इतने प्यार से करवा रही है आप, देखिए इंसान जैसे मुंडी नीचे करता है, मुंडी ऊपर करता है, चल भाई दाढ़ी बना दे, चल भाई बाल बना दे, वैसे ही दोस्तों ये कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको पता है, और ये अडॉप्ट हो चुकी है इससे कि मुझे ये करवाना है, मेरे को मजा आता है, ठीक है। मुझे तो दोस्तों बड़े बाल अच्छे नहीं लगते, टू बी फ्रैंक, जब भी हटाता हूँ मुझे लगता है क्या रिलैक्स हो गया, तो शायद इनको भी ऐसा कुछ फील होता होगा, तो होने के बाद हम आपको थोड़ी देर में वापस दिखाते हैं। दोस्तों आई होप देखिए पूरी तरीके से ये जो हो चुका है, अभी सर का जो है वो काम सिर्फ बाकी है, और पूरी तरीके से इसको जीरो ट्रिमर किया गया है, तो इसीलिए जो ब्रेडर होते हैं जो लॉन्ग हेयर के, चाहे लासा एप्सो हो, चाहे आप कह लीजिए सिज्जू है, दूसरी काफ़ी ब्रीड भी आती हैं जिनके हेयर होते हैं, तो वो ब्रीडर के लिए मेंटेन करना बहुत कठिन हो जाता है जब ज़्यादा डॉग होते हैं, ठीक है, बिकॉज रोज मेंटेन करना आसान नहीं है, तो बाल हटाए जाते हैं, और अगर आप भी हटाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, और जो किट मैंने बताई उससे आप ग्रूमिंग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आई होप आप लोगों को काफ़ी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी, हेल्प मिली होगी, कुछ भी हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।